किस मौके पर अपने साथी जो हमसे बिछड़ गए 20 नवंबर को नवंबर से, तो उनकी याद में हमने आज ये फंक्शन रखा था। हमें बहुत अफसोस है कि ऐसे इंसान का जाना हमारी संस्था के लिए और समाज के लिए बहुत घाटा। प्रेसिडेंट अमर क्षेत्रीय रायपुर सभा डिस्ट्रिक्ट सांबा, और उसी के साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी जे मेरे कज़न ब्रदर भी थे और जनरल सेक्रेटरी भी थे। मैंने इनको बचपन से देखा है, और ये जो जितना सोशल काम करते थे, सोशल सोसाइटी में जे जा कर के अपना योगदान देते थे, उसकी वजह से मैंने इनको अपना सेक्रेटरी रखा। सिविल सोसाइटी ने ये जो प्रोग्राम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रखा, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और हमारे सिविल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी से मोर ओवर सुरजीत सिंह संभ्याल जी, ये रायपुर सभा के भी जनरल सेक्रेटरी थे, हमने वहाँ पे भी इनके साथ काम किया। और इनका जाना एक इंटेलेक्चुअल का जाना है, हमें सोसाइटी को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये जैसा कि इन्होंने बताया कि एक जो भी ड्राफ्टिंग हुआ करती थी, ये सारी ड्राफ्टिंग वगैरह ये करते थे, और काफ़ी सारे मसलों पे ये जितने भी मेमोरेंडम बनते थे ये उनको पुट अप करते थे, चाहे किले के रिकॉर्डिंग हो, चाहे वीरभूमि के रिकॉर्डिंग हो, चाहे अपने राजपूत जो किला बना है हो, चाहे हॉस्पिटल के रिलेटेड हो। इनके जाने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, हाथ जोड़ के अपने सारे मेंबर यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्माओं को शांति दे और अपने चरणों में जगह दे। जहां पर सिविल सोसाइटी सांबा की तरफ से हमारे सीनियर फाउंडर मेंबर जो हमारे बीच आज नहीं रहे हैं, सुरजीत सिंह संभ्याल जी, जो कि हमारे उनका 20 नवंबर को यहां पे देहांत हो गया था, आज यहां पे जहां पर शोक सभा का कार्यक्रम रखा था, और यहाँ पर हम आपको बता दें सिविल सोसाइटी के तरफ से जहाँ पर 2 मिनट का मौन रखा।